उसके बाद जब केवाड़ी खटखटाने लगा तो ऊपर में धान का बोरा रखा हुआ था, वो गोतिया में के बहन थी और हमारा पत्नी मिलके वो बोरा हटा दिया। हटाने के बाद उसी बोरा में बैठ गया, उसको सब बोरा सूजनी से तोपा हुआ था। सीधे हाथ पीछे हाथ बांध देता था, वो रस्सी बांटे हुए था, वो बोरा सीने वाला जो होता है ना सूत्री, उसी से बांधे बांध के एकदम मैंने बांट के उधरे से लेबे किया था वो लोग। ऐसा नहीं लगता कि 34 भूमि किसानों के हत्या करने वाले का एक भी हत्यारा साबित नहीं हो पाया? नहीं, वास्तविक में साबित नहीं हो। दोष किनका है इसमें? दोष गवाह का मान नहीं रखा गया। हुआ कि रात में आप साक्षात देखे ही नहीं, तो आप देखते तो तुम मरा ही जाते। आप भी चाचा इसी गांव से हैं, तो जब ये घटना हुआ था तो यहाँ आप थोड़ा आगे आ जाइए, तो परमेश्वर मुखिया आए होंगे यहाँ पे? परमेश्वर मुखिया घटना के समय यहाँ थोड़े आए थे, घटना के बाद आए होंगे? बहुत बाद आए थे। बहुत बाद क्या बोले थे आप सबको? हम लोग के बोले कि अब धैर्य करके रहिए, अब तो जो होना था से हो गया, और क्या कीजिएगा। हमारा समझ से तो वो लगे कि अपने स्वामी विवेकानंद वाला पद लिए हुए बेचारे, उद्राज के माला वगैरह सब रामायण पोथी सब अपना रखते थे। हाँ, अपना वो थैला रखे हुए थे। हम लोग के तो ऐसा कुछ विशेष हम लोग के बोले नहीं, वो बोलते कम थे थोड़ा, और काम ज्यादा विश्वास रखते काम में। तो काम यदि करवो करते होंगे तो हम लोग के थोड़े कहेंगे, हम लोग तो भाई वो अपना क्या थे क्या नहीं थे वो तो वो समझे, लेकिन हम लोग को तो दर्शन हो नहीं। आपके परिवार में भी से इसमें कोई है? है नहीं, अवधे शर्मा है। अवधे शर्मा ये कौन लगते हैं? चचेरे भाई हैं। अच्छा, चचेरे भाई। उस टाइम आप कहाँ थे? थे जिस समय हल्ला हुआ उस समय घर में नीचे ही थे। उसके बाद जब केवाड़ी खटखटाने लगा तो ऊपर में धान का बोरा रखा हुआ था, वो गोतिया में के बहन थी और हमारा पत्नी मिलके वो बोरा हटा दिया। हटाने के बाद उसी बोरा में बैठ गया, उसको सब बोरा सूजनी से तोपा हुआ था, वही में अपना छिप के बच। अच्छा, आप उसी में छिप के रह गए? हाँ, 18 के संख्या में हमारे यहाँ था हरवे हथियार के साथ। नक्सली मतलब घर से खोज करके? हाँ जी। हाँ, आपका नाम क्या? दिनेश शर्मा नाम है। दिनेश शर्मा। हाँ, तो जब आप धान के बोरा के बीच में फंस मतलब नुका दिया गया, तो लोगों को पता चल गया होगा कि घर से निकाल रहे खोज करके? हाँ, वो तो पता तो जब चल गया तब ना, मैंने जिसे हमारा घर में पहले वो घर था उसमें गया, वो घर था उसमें गया, उसके बाद हमारे घर में आया तो पता चल नहीं रहा है कि केवाड़ी तोड़ के खंती से रामहा से केवाड़ी तोड़ तोड़ के और घर में घुस रहा है और खोज रहा है। तो पता अगल बगल में तो पता चल रहा है, तब न छिप गए। अच्छा, मतलब कि घर से जितने भी जेंट्स लोग थे सबको बुला करके यहाँ पे ला करके? हाँ, पकड़ के वहाँ, यही स्थान था यहाँ और वो सामुदायिक भवन के पास कुछ लोग को वहाँ सीधे हाथ पीछे हाथ बांध देता था, वो रस्सी बांटे हुए था, वो बोरा सीने वाला जो होता है ना सूत्री, उसी से बांधे बांध के एकदम मैंने बांट के उधरे से लेबे किया था वो लोग। मतलब आपके गांव वाले को किसी को कुछ भनक तक भी नहीं लगा? पहले कोई भनक नहीं लगा होने वाला? नहीं, कोई भनक नहीं लगा। जब गाँव से थोड़ा सा कोलाहल हुआ तो यही ठकुरबाड़ी के छत पर से हैंड माइक से अलाउंस किया। पहले तो मैंने पकड़ना शुरू किया तो बोला कि हम पुलिस हैं, से हम आदमी रणबीर सेना के खेत के लाए हैं, से हम चिन्हित कर करके हमको छोड़ देना है। कुछ लोग स्वेच्छा से आ गए। जब गांव में हल्ला उल्ला पूरा होने लगा तो हैंड माइक से अलाउंस किया कि से और फायरिंग किया कि से जो जहाँ है वहीं रहो ना बर्बाद कर देंगे, हम MCC हैं। तब लोग जहीं के तहीं भागना भी शुरू किया, कुछ लोग भाग के भी जान बचाए अगल गांव बगल गांव में, कुछ बाद में गेड़ा उड़ा तर छिप छाप के कुछ घरों में छिपर रह गए, कुछ पुआल तक छिपर रह गए, जो जिसे बचना था भगवान बचाने वाले बच गए। उसमें आप भी शामिल? हाँ। तो आपके
परिवार में से जो शहीद हुए उनको नौकरी मिला होगा? हाँ, उनका बच्ची तीन गो थी तो एक बच्ची के नौकरी मिला। क्या चीज में? वो फोर्थ ग्रेड में स्कूल में चपरासी, जिसको हम लोग तो चपरासी ही ना कहते हैं, यही हुआ। अच्छा, सबको फोर्थ ग्रेड में जो। हाँ, ये किन के सरकार में, नीतीश जी के सरकार में या लालू जी के सरकार में? उस समय लालू जी के सरकार थी। अच्छा, नौकरी सबको लालू जी के सरकार में। अब शायद ऐसा ही हमारा पूरा याद नहीं है। अच्छा, नीतीश कुमार जी के सर? हाँ, नीतीश कुमार के सरकार ने मिली। लालू में तो नरसंहार हो रही एक। बहुत सेंट्रल से नेता आए और लोग आए, लेकिन लालू जी। सेंट्रल से कौन आए? सेंट्रल से पासवान जी, रामविलास पासवान जी, रामविलास पासवान आए, और नीतीश कुमार भी आए थे। अब वो पूरा तो उठ जाइए बाबा, थोड़ा के कहा है, उठिए ना थोड़ा। कौन कौन लोग यहाँ पे नेता सेंट्रल से आए थे? सेंट्रल से नीतीश कुमार पहले आए थे, उसके बाद रामविलास पासवान आए थे, रामाश्रय यादव तो आन के यहाँ 5-7 दिन रह गए। रामाश्रय यादव आ गए थे, 5-7 दिन रह गए। और कौन आए थे? जगदीश शर्मा आए थे, सबसे पहले जगदीश शर्मा आए थे, सबसे पहले सवेरे पहर। बस यही दो चार लोग आए थे नेता में, दुए आए थे, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान जो केंद्रीय नेता थे, कोई नहीं आए। और कोई नहीं आए। देखिए क्या क्या होता था बिहार में लालू जी के सरकार में, और अभी साथ में नीतीश कुमार जी हैं, क्योंकि उन्हीं के विरोध करके नीतीश जी को पहलवान बनाए यही सब मिल करके, और जब उन्हें अंदर शक्ति आई तो इन्हीं को पटक करके फिर से अपने भैया के गोद में जाकर खेल रहे हैं। यही ना हो रहा है अभी? यही हो रहा है बिल्कुल। नीतीश जी पहले पहला बार जीते तो हम लोगों को लगा कि से हाँ कोई नेता आए हैं, हम लोग माने आत्मा में ही हुआ कि हम लोग माने माने हर तरह से किसानों को, हम लोग का माने का सिर्फ भूमिहार को नहीं, सब जाति को किस माने ये था कि माने आके अच्छा रोड से जोड़ेंगे। 5 साल विकास किए, उसके बाद विकास बिल्कुल ठप हो गया। यानी कि जो भी इन लोगों के हत्यारा थे सब के सब उन्हीं के सरकार में? हाँ, उन्हीं के सरकार में अभी भी हैं सब, बाहर में घूम रहे आजादी से। हाँ हाँ, बिल्कुल आजादी से घूम रहे हैं। ऐसा नहीं लगता कि 34 भूमि किसानों के हत्या करने वाले का एक भी हत्यारा साबित नहीं हो पाया? नहीं, वास्तविक में साबित नहीं हो। दोष किनका है इसमें? दोष लालू जी का कहा जाए, और किसको? और जब जिनके राज राजद का दोष, उस समय राजद की सरकार थी, राजद को दोष हम लोग बड़ी हो गए तब, बड़ी हो गए तो अभी भी वही दोषी हैं, नीतीश कुमार हैं, और नीतीश कुमार अब तो उन्हीं के गोद में है, ये हैं तो दोषी वही ना हुए। आरजेडी के साथ मैं हैं तो दोषी आज भी वही हैं। गवाह का मान नहीं, मान नहीं रखा गया, हुआ कि रात में आप साक्षात देखे ही नहीं, तो आप देखते तो तुम मारा ही जाते ना। शक के आधार पर गंगा के दिना के हम चिन्ह नहीं रहे हैं, जो बचपन से देख रहे हैं गांव के लोग के, उसको जाते आते आवाज से कहा कि पैर के उसको चाल से हम लोग पहचान जाएंगे कि फलना आदमी जा रहा है। कोई सामना सामने देखिए कि आदमी पहचानता है, जो बचपने से है ये है, उसको तो हम लोग बोलते जा रहा है तो चिन्हे रहे कि फलना आदमी था। जैसा कि आप सुन रहे थे, यहाँ आसपास में और कौन सा नरसंहार हुआ था इसके पहले? इसके बाद हुआ मियाँपुर। हाँ, हम आगे भी जाकर के आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, आप जुड़े रहे मेरे साथ। धन्यवाद।